स्वाभाविक है भाई कि लोकतंत्र में अधिकार है उसका। पुलिस अधिकार रंगदारी करेगा, स्थानीय विधायक के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। फोटो स्टेट दुकान में हुई मारपीट के मामले में स्थानीय लोगों ने किया विधायक आवास का घेराव। अब समाचार विस्तार से। जहानाबाद के देवरिया स्थित विधायक आवास पर लोगों ने विधायक का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक के गाड़ी से भी जाने से रोक दिया। दरअसल दो दिन पूर्व नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के समीप फोटो स्टेट दुकान में पुलिस कर्मियों के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई के नाम पर ज्यादती बरते जाने का आरोप लगाते हुए दुकान संचालक के परिजनों ने आज रविवार को स्थानीय विधायक के घर का घेराव किया। लोगों का कहना था कि फोटो स्टेट की दुकान में मारपीट में गलती पुलिस कर्मियों की भी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। निर्दोष लोगों को भी फंसाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव के घर पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के सामने दुकान संचालक के सौजनों की बात भी रखने की मांग करने लगे। विरोध होता देख विधायक लोगों के दबाव को देखते हुए पैदल ही एसडीपीओ आवास पहुंचकर इस घटना को लेकर जानकारी ली और बातों को रखी। देखिए विधायक जहानाबाद कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव क्या कुछ कह रहे हैं। वही जो दो तीन दिन पहले यहाँ ये महावीर फोटो स्टेट में वो दुकानदार और पुलिस के बीच में कुछ हुतुमेमे हुई और उसी में मारपीट करके कुछ लोगों को पुलिस जेल बंद कर दिया है, उसी संदर्भ में हम मिलने गए थे और हमने सीधा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी को ये बताया कि किसी भी परिस्थिति में निर्दोष लोग मतलब नहीं फंसना चाहिए और विश्वास भी दिलाया है कि ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ अनजाने में हुआ होगा तो हम उसको सुधार करेंगे। घर का घेराव नहीं, घर का घेराव नहीं, स्वाभाविक है कि चूँकि हमारे माने पड़ोसी लोग हैं तो उनको मालूम हुआ तो सब लोग आए। हम बोले कि ठीक है आप रहिए हम चलते हैं। जो जेल भेज दिए उसमें क्या आश्वासन नहीं बताया कि हम उसमें मतलब अगर आप लोग को लगता है कि जो लोग मतलब निर्दोष लोग हैं तो आप लोग लिख के दे दीजिए, हम उसको सुधार करने का प्रयास। स्वाभाविक है भाई कि लोकतंत्र में अधिकार है उसका, जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सिर्फ हम क्या हुआ। मैं दुकान से मैं दुकान पर दुकान प्रशासन जाके रंगदारी करने लगा, पैसा मांग तो लेकर काम मांगा था, बोल कि नहीं देंगे, रंगदारी करने लगा, गाली गलौज के साला इसमें बोल दिया, मारा पीटी करने लगा, रेटी चापने लगा हमको पति को देवर को, और कंचा ले रहा था तो कंची अपना ही से छीन रहा था पुलिस से तो भौंका गया, रंगदारी करने लगा। तुम पुलिस अधिकार रंगदारी करे, हम लोग पति देवर को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। जो रोहित है उसका नाम है रोहित है, मनीष नाम है, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा है, नहीं केस ले रहा, एफ आई आर लीजिए। अच्छा। उसके लिए हम लोग आए हैं तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। कहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग आए सुधा यादव विधायक भी, तो इनके घर के घेराबंदी की आप लोग? जी सुधा यादव भड़वा लगाए हैं, हम लोग कोचिंग कमाते थे तब खाते थे, जो लोग गिरफ्तार करने कोचिंग खाएंगे, पुलिस है तक हम लोग की इज्जत नहीं है। अब फिर आप लोग मतलब की पुलिस लाइन में जाके कैंची मारे क्या? आए काम कर, पैसा दीजिए, पैसा लगे मांगता नहीं, गाड़ी गलौज करने लगे, माने पीटने लगे, चापले थे पटाख के पुलिस। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी।